के स्पोर्ट्स एंड कल्चर के डिवीजन सदर मोन चौहान ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। 10 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रिलेटेड हूँ और डिविजनल सदर स्पोर्ट्स एंड कल्चर, इसके अलावा मेंबर ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी यूथ, वो भी मैं हूँ, और 2 साल तक डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट यूथ भी मैं जिले का रहा हूँ। और आज मैं एक उन्वान अहम उन्वान पर बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि मरकजी व मकामी क्यादत के हाथों जिल्लत व रसवाई। आज PTI की मैं पूछना चाहता हूँ इमरान खान साहब से, आप अपने हर इंटरव्यू और तकरीरों में मिसालें तो सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों की देते हैं, उनके दौरे हुकूमत की देते हैं। आप पाकिस्तान को मदीना मुनव्वरा की तर्ज पर एक इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं, क्या इस रियासत के वुज़रा ऐसे होंगे जिन पर अरबों खरबों की करप्शन के चार्जेज होंगे? खान साहब, आज आपके मुशीरों ने आपको नजरे जरूरत पर चला दिया है। खान साहब, जिन इलेक्ट्रिबल्स ने आपके जान निसार वर्कर्स पर FIR कटवाई हैं, क्या यही इलेक्ट्रिबल्स कल आपके आपके वजीर बन के क्या PTI वर्कर को जीने देंगे? हम तो आपकी लीडरशिप, इंसाफ लीडरशिप हमें पसंद। आपने पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ रखा, लेकिन जिस पार्टी के अंदर इंसाफ ही नहीं है तो वहां पे फिर मुझे यह बताएं, आज वर्कर के ऊपर FIR कटवाई जा रही है, तो क्या आगे लोग ये जब वजीर बन जाएंगे तो क्या ये वर्कर्स का, उनकी उनकी रिस्पेक्ट का, उनकी रसवाई का बाइस नहीं बनेंगे ये लोग? और मैं ये बात बावर करवाना चाहता हूं अपने PTI के वर्कर से भी कि जिन लीडरशिप को यहां पर जिला रहीमिया खान के अंदर टिकट्स दी गई, क्या ये लीडर्स आगे जाके अपने वर्कर्स का तहफ्फुज करेंगे? जो बिल्कुल भी नहीं, जो मुझे नजर आ रहा है वो बिल्कुल भी नहीं। अब PTI वर्कर की जमात नहीं रही बल्कि ये सरमायादारों व जागीरदारों पर मुश्तमिल एक बिजनेस क्लब बन चुका है। मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी जिंदगी के 10 बेहतरीन साल PTI के साथ क्यों जाया किए, जिसका जो PTI का जो एजेंडा था कि एहतसाब सरेआम और इकतदार में अवाम की तरवीज व तरक्की की खातिर हम इंशाल्लाह अवाम को इंसाफ देंगे, लेकिन उसी अवाम की तरवीज व तरक्की, इसी विजन को लेकर मैं चला, लेकिन उसके खातिर मैं जेल भी गया। आज कहां इंसाफ है? और क्या PTI में ऐसा कोई अदारा है जहां किसी जालिम का एहतसाब हो सके? कतई नहीं। उसके साथ साथ तमाम तर सियासी, जो आज मैं बड़े अफसोस के साथ ऐलान कर रहा हूं कि मैं अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सियासी वाबस्तगी थी 10 साल से, उसको मैं खत्म करने का ऐलान करता हूं।